है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेदा में। जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक है आयुर्वेद के द्रव्यों की परिभाषा और वर्गीकृत औषधियों की जो परिभाषा है, मैं आप सभी को बारी बारी से बता रहा हूँ, जिसमें मैंने एक वीडियो आप सभी को दी है जिसमें वर्गीकृत औषधियाँ, 15 वर्गीकृत औषधियों का परिभाषा मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेनेशन के साथ बताया हूँ। और उसी क्रम में जो द्रव्यों के गुणों के आधार पर जो परिभाषा बतानी थी, उसके लिए मैं ये वीडियो आप सभी को लेकर के आया हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो चीज़ें नहीं समझ में आती है मैं बार बार कहता हूँ कि आप कमेंट कीजिए, मैं फिर आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा। तो जो चीज़ें नहीं समझ में आती है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसका जो भी आपको कन्फ्यूजन है मैं उसको जरूर क्लियर करने की कोशिश करता हूँ और करूंगा भी। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो अच्छी लगती है तो दूसरे तक भी पहुंचाने का प्रयास कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं, देख लेते हैं कि जो 15 औषधियां बच गई थी जिनका गुणों के आधार पर परिभाषा आपको बतानी थी, तो वो कौन कौन सी औषधियां हैं। तो मैंने 15 औषधियां आपको पहले ही बता दी हैं, तो मैं एक एक करके आपको परिभाषा में बताते चलता हूँ। तो पहला जो औषधियों के गुणों के आधार पे और कर्मों के आधार पे जो परिभाषा है, तो औषधि के गुण और कर्मों के आधार पे जो पहली परिभाषा है वो दीपन है। तो दीपन एक औषधि, जो औषधि द्रव्य है उनका गुण है और कर्म है। तो औषधि जो होते हैं उनके गुण और कर्म अलग अलग होते हैं, तो उसी तरह के औषधियों के गुणों और कर्मों की परिभाषा मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो पहली जो गुण और कर्म है औषधि का वो है दीपन। दीपन डायरेक्टली अगर कहें तो अग्नि को प्रज्वलित करने की प्रक्रिया, अग्नि मतलब हमारे भूख को बढ़ाने वाली जो प्रक्रिया, जो भी औषधि हमारे भूख को प्रज्वलित कर दे, बढ़ा दे, प्रदीप्त कर दे, तो उसी को हम दीपन कहते हैं। जैसे अगर आपको लिखना है तो आप सामान्य भाषा में लिख सकते हैं, जो औषध आम रस को नहीं पचाता है, मतलब आम रस को नहीं पचाते हैं जो भी औषधियां हैं, जो आम रस को नहीं पचाते हैं लेकिन अग्नि को प्रदीप्त कर देते हैं, मतलब भूख को बढ़ा देते हैं, उन्हें हम दीपन द्रव्य कहते हैं। तो आम रसों को ये नहीं पचाते हैं, अग्नि को प्रदीप्त कर देते हैं, तो उन्हें हम दीपन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया है सौंफ। तो इस औषधि द्रव्य का जो गुण है वो दीपन कहलाता है। उसी तरह से दूसरा जो है औषधि द्रव्यों का गुण जो है पाचन। तो पाचन गुण कर्म क्या है, किस औषधि द्रव्यों का पाचन गुण कर्म क्या होता है। तो पाचन अगर आता है तो आप लिखेंगे जो औषध द्रव्य, इसका सेम उल्टा हो जाएगा, जो औषध द्रव्य इसमें आम रस को नहीं पचाता था, इसमें आम रस को पचाता है। तो जो औषध द्रव्य आम रस को पचाता है किंतु अग्नि को प्रदीप्त नहीं करता, मतलब भूख को नहीं बढ़ाता है, तो उसे पाचन द्रव्य कहते हैं। जैसे नाग केसर, ये क्या करते हैं, हमारे भूख को नहीं बढ़ाते हैं, जबकि जो चीजें हम खाए हुए हैं उसको पचाने का काम करते हैं, तो उसे हम पाचन द्रव्य कहते हैं। तो उसमें एग्जाम्पल मैंने नागकेसर लिखा हुआ है। उसी तरह से संसमन है। तो संसमन का मतलब जो हमारे शरीर में जो दोष बढ़ रहे हैं उनको सिंपली बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, शरीर में सुखाता नहीं है, शरीर से बाहर निकाल देता है, तो उसे हम संसमन कहते हैं। उन औषधियों को संसमन द्रव्य भी कह सकते हैं। तो जो औषध द्रव्य बढ़े हुए दोष, चाहे वात हो गया, पित्त हो गया, कफ हो गया, तीनों दोषों में से कोई भी दोष अगर बढ़ा हुआ है, उनका शोधन नहीं करता है जबकि वमन करा देता है, और वमन मतलब उल्टी करा करके शरीर से बाहर निकाल देता है, तो उसे हम संसमन कहते हैं। मैंने एग्जाम्पल में गुड़ुची लिखा हुआ, गुड़ुची मतलब गिलोय, इसको अमृता भी कहते हैं, कई बार बता चुका हूं आपको। उसी तरह से अनुलोमन, तो अनुलोमन का मतलब ऐसी औषध द्रव्य जो अपक्वमल जो है, जो अपचित जो भोजन हो गया या जो अपक्वमल है, पूरी तरह से डाइजेशन के बाद से जो अपशिष्ट पदार्थ जो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, अपशिष्ट बना हुआ है पेट में, बदहजमी है, तो उनको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया, उसके ऊपर ही काम करते हैं ये औषधि द्रव्य, और शरीर से बाहर निकाल देते हैं गुदा मार्ग के द्वारा, तो उसे हम अनुलोमन कहते हैं। आप किस तरह से लिखेंगे, जो औषध द्रव्य अपक्व मलों को पकाकर वात आदि दोषों के साथ बंधे हुए मलों को भेदन कर गुदा मार्ग से बाहर निकाल देते हैं, अनुलोमन कहलाते हैं। एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा है, हरितकी। हरितकी को हर्रे भी कहते हैं, संस्कृत में हरितकी हर्रे भी कहा जाता है। फिर है देह संशोधन। देह संशोधन सेम इससे मिलता जुलता है। इसमें क्या है, आमाशय में जो अपक्व, आमाशय में जो संचित जो मल है पूरी तरह से पचा नहीं है, आमाशय में जो भी भोजन है पूरी तरह से पचा नहीं है, बदहजमी हुई है, उसको वमन करा के बाहर निकाल दे, और जो
आंतों में जो संचित मल है उसको गुदा मार्ग के द्वारा बाहर निकालते हैं, तो उसको हम देह संशोधन कहते हैं। आप लिखेंगे कैसे, जो औषध द्रव्य आमाशय स्थित संचित मलों को ऊपर की ओर ले जाकर मुख मार्ग द्वारा बाहर निकाल दे और आंतों में संचित मलों को गुदा मार्ग के द्वारा बाहर निकाल दे, तो उसको हम क्या कहते हैं, देह संशोधन द्रव्य कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लिख दीजिएगा देवदाली फल बीज, तो देवदाली फल बीज आप एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं अगली जो औषधि है क्या है, तो ये हो गई पांच औषधियां। अगली जो छठवीं औषधि है वो कौन सी है वो देख लेते हैं। तो देखते हैं छठवीं औषधि क्या है, तो छठवीं जो औषधि है उसके गुणकर्म जो है उसको छेदन कहते हैं। तो छठवीं जो औषधि है गुणकर्म की अगर बात करेंगे तो छठवां जो गुणकर्म है वो है छेदन। तो छेदन किसे कहते हैं, अगर छेदन की बात करें तो जो भी शरीर में जो दोष उत्पन्न हो रहे हैं वात पित्त कफ के द्वारा जो दोष उत्पन्न हो रहे हैं शरीर में किसी जगह पे चिपके हुए हैं उसको बलपूर्वक अगर खींच करके कोई औषधि बाहर निकाल देते तो औषधि के उस गुण को हम छेदन कहते हैं। आप लिखेंगे कैसे, जो औषध द्रव्य अपने स्थानों में संचित या चिपके वात पित्त कफ दोषों को बलपूर्वक शरीर से अलग कर दे तो उसे हम छेदन गुण कहते हैं। अगर औषधि की बात करें तो आप शिलाजतु लिख सकते हैं संस्कृत में। उसी तरह से सातवां जो नंबर है वो गुण जो है आपका ग्राही, तो गुण या कर्म दोनों कह सकते हैं। तो ग्राही गुण कर्म क्या है, जो औषधि द्रव्य अगर बोले ग्राही तो दोनों जो आपने अभी पहले पढ़ा दीपन और पाचन, तो दोनों के गुण इसमें होते हैं तो उसे हम ग्राही कहते हैं। तो ग्राही गुण कह सकते हैं, जिसमें दीपन और पाचन दोनों गुण हो तो उसे हम ग्राही गुण कह सकते हैं। लेकिन यहां पे अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, जो औषध द्रव्य दीपन पाचन गुणों से युक्त है अर्थात जो द्रव्य आम को पचाता है और अग्नि को प्रदीप्त करता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्राही कहते हैं। ठीक ना, तो औषधि द्रव्य का ग्राही गुण कर्म कह सकते हैं। तो जैसे इसमें कौन कौन से औषधि द्रव्य आते हैं, तो सुंठी है जीरक है, सुंठी सोंठ को बोलते हैं, जीरक जीरा को बोलते हैं। उसी तरह से रसायन, तो रसायन बहुत ही आसान है, आप लिख सकते हैं ऐसी औषधि द्रव्य जो बुढ़ापा जल्दी नहीं लाते हैं और रोगों से दूर रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रसायन कहते हैं। लिखेंगे कैसे, जो औषधि द्रव्य बुढ़ापे को रोकता है रोगों से दूर करता है उसे हम रसायन कहते हैं। औषधि द्रव्य कौन कौन से है, गुड़ुची हरितकी गुगलू, तो आप गुड़ुची मतलब गिलोय हरितकी हर्रे और गुगलू गुगलू को ही बोला जाता है। उसी तरह से वाजीकरण अगर बोलेंगे तो वाजीकरण अगर कहें तो वाजीकरण का मतलब जिस औषधि द्रव्य, लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, जिस औषध द्रव्य के सेवन से पुरुष को शिशेंद्रिय में मतलब लिंगों में प्रहर्ष हो जाता है जिससे उसमें संभोग की इच्छा जागृत हो जाती है और संभोग उत्साह की वृद्धि के साथ होता है तो उसे हम वाजीकरण कहते हैं। तो ये संभोग को बढ़ाने की जो भी औषधि द्रव्य है उनके गुण जो है उसको हम वाजीकरण कहते हैं। उसमें कौन कौन से औषधि द्रव्य उदाहरण भी लिख सकते हैं, नागबला है और कपिकच्छू है। कपिकच्छू संस्कृत में है, इसको हिंदी में हम केवाच बीज कहते हैं, तो कपिकच्छू आप लिख सकते हैं, केवाच का बीज भी लिख सकते हैं। उसी तरह से सूक्ष्म गुण अगर बोले तो सूक्ष्म गुण क्या है, जो औषधि द्रव्य शरीर के सूक्ष्म छिद्रों में प्रवेश कर जाते हैं, तो मतलब जितने भी औषधि द्रव्य हैं अगर सूक्ष्म गुण की बात करें तो जो भी औषधि द्रव्य शरीर के सूक्ष्म छिद्रों में प्रवेश कर जा रहे हैं तो उनको हम सूक्ष्म गुण कहते हैं, औषधि का सूक्ष्म गुण कहते हैं। जैसे सैंधव, सैंधव नमक, सेंधे नमक को बोला जा रहा है सैंधव, मधु हो गया, नींब तेल, नीम का तेल, इसमें अरंड तेल भी कह सकते हैं, रेड़ का तेल भी है, तो इतनी औषधियां जिनको हम सूक्ष्म कहते हैं। चलिए देखते हैं औषधि का जो ग्यारहवां गुण है वो कौन सा है, तो जो ग्राहमी जो औषधि द्रव्य के जो गुण है, जो 11 नंबर पे जो औषधि द्रव्यों का जो गुण है उसको हम विकासी कह रहे हैं। तो विकासी किसे कहते हैं, अगर विकासी बोले तो आप लिख सकते हैं इस तरह से, जो औषध द्रव्य संपूर्ण धातुओं से ओज को पृथक कर संधि बंधनों को ढीला कर देता है उसे हम विकासी कहते हैं। तो विकासी किसे बोला जा रहा है, जो संपूर्ण धातुओं से ओज को अलग कर देता है, ओज को अलग कर दे और जितने भी संधि बंधन है जहां भी ज्वाइंट है उनको ढीला कर दे रहा है तो उसे हम विकासी कहते हैं। तो एग्जांपल में आप सुपारी लिख सकते हो, सुपारी विकासी द्रव्य है। मदकारी अगर बोलेंगे तो जो औषध द्रव्य तमोगुण की प्रधानता के कारण जिसमें तमोगुण बहुत ज्यादा होता है और ये क्या करता है, बुद्धि का लोप कर देता है, हमें ये नहीं समझ में आता कि क्या गलत है क्या सही है, तो जो तमोगुण की प्रधानता के कारण बुद्धि का लोप कर दे उसे हम मदकारी कहते हैं। मदकारी में एग्जाम्पल में आप लिखेंगे मदिरा,
तो ये तमोगुण प्रधान है और बुद्धि का लोप कर देता है। उसी तरह से 13 नंबर है विष, तो विष किसे बोलेंगे, जो औषध द्रव्य सूक्ष्म छेदन मदकारी आग्नेय गुण युक्त होने के कारण प्राण नाशक है तो उसे ही हम विष कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल में आप वत्सनाभ लिख सकते हैं। उसी तरह से प्रभाव है, तो प्रभाव का मतलब बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं जो कि एक ही तरह काम करती हैं, कर्म उनके एक जैसे होते हैं, लेकिन औषधियां जो है अलग अलग हैं। और इस तरह से अगर बोले तो उनके जो कर्म भी हैं, रस जो है स्वाद में अगर देखें तो कई ऐसी औषधियां जिनके स्वाद एक जैसे होते हैं जबकि गुण अलग अलग हो जाते हैं, कई ऐसी औषधियां हैं जिनके गुण अलग अलग होते हैं स्वाद एक जैसे हो जाते हैं। तो इस तरह की औषधियों को हम प्रभाव कहते हैं, उनके गुणों को हम प्रभाव कहेंगे, गुण कर्मों को। लेकिन अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे किसी किसी द्रव्य में कर्मों में भिन्नता दिखाई देती है, तो मतलब उनके कार्यों में भिन्नता अगर दिखाई दे रही है, जैसे दंती और चित्रक दोनों अगर रस देखें तो दोनों में एक समान रस है, लेकिन दंती मूल जो है विरेचन करता है और चित्रक मूल जो है दीपन पाचक है, तो इसे ही हम प्रभाव कहते हैं। उसी तरह से विपाक, लास्ट जो टॉपिक है विपाक, मधुर आदि जितने भी 6 रस हैं आपको पहले से ही पता है, कटु तिक्त कषाय लवण मधुर अम्ल, तो ये 6 जो रस हैं भोजन के उपरांत जठराग्नि क्या करती है, इनको पूरी तरह से पचा लेती है। तो पचाने के बाद से एक नए रस का जो उदय होता है उसे ही हम विपाक कहते हैं। तो मतलब हम जैसा रस खाते हैं उस तरह का विपाक नहीं निकलता है, कुछ रस सेम हो जाते हैं, कुछ कुछ एक जैसे होते हैं, कुछ अलग हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण में आप लिख सकते हैं अम्ल रस का विपाक हो जाता है अम्ल रस, मतलब अम्ल रस जठराग्नि में पाचन के बाद भी अम्ल रस के रूप में ही विपाक उसका बनता है, जबकि कटु तिक्त मधुर कषाय है तो उनका विपाक कटु हो जाता है। तो इस तरह से हम इसको क्या बोलते हैं, विपाक बोलते हैं। तो जितने भी औषधि गुणों के आधार पर, जो द्रव्यों के गुण और कर्म थे, जितने भी औषधि द्रव्यों के गुण और कर्म थे जो इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने आपको इस वीडियो में आपको बताया। आशा करता हूं कि सारे जो टॉपिक हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं, आपके जो भी स्टूडेंट हैं जिनकी क्लासेस प्रॉपर नहीं चल पा रही, जिन्होंने क्लास नहीं किया है, वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे वो डिप्लोमा फार्मेसी कर रहे हो या नर्सिंग के स्टूडेंट हो या बी फार्मा हो या बीएमएस के स्टूडेंट हो, बीएमएस के स्टूडेंट के जो टॉपिक होते हैं बहुत ज़्यादा ब्रॉड होते हैं, फुल्ली एक्सप्लेनेशन चाहिए, इतने से काम नहीं चलता है, लेकिन थोड़ी हेल्प उनकी हो जाएगी। तो आपको दूसरों तक पहुँचाना है, और जो चीज़ें नहीं समझ में आती है कमेंट कीजिए, चैनल पे जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।